तो हेलो भाई लोग, तो आज फिर खेलने वाले लास्ट नाइट ऑफ सर्वाइवल। और आज आया हूँ मैं गाइस यहाँ पे टैंक किल करने। टैंक पहले बार भी किल कर चुका था, लेकिन आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला कि मैं पूरा दिखाने वाला हूँ, ठीक है, आज टैंक को कैसे किल करेंगे। तो यहाँ पे अपना लूट वूट उठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना छोटा सा बेस है, तो यहाँ पे शेल रखा जो गाइस कुछ। और पिछली बार मुझे टैंक को किल करने से ही मिला था, ठीक है, तो उसी को उठा लेते हैं। आज टैंक को किल करने के लिए इसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑयल रिफाइनर देखने को मिल रहा होगा, तो बेस में और दो या शायद तीन ऑयल रिफाइनर और भी है, ठीक है, और एक को तो मैं सेल पे भी लगा भी चुका हूँ। और बात करते हैं टैंक के ऊपर कि आज टैंक को किल करने वाला हूँ, और इतने सारे एमओ और गन लेके आ चुका हूँ, और लूज गन पहली बार चलाऊँगा मैं, मतलब टैंक के ऊपर। वैसे नॉर्मली चला चुका हूँ, लेकिन किसी को किल नहीं किया जॉम्बी वगैरह को, ठीक है, नॉर्मल टेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा चला कर देखा था, बट उसका डैमेज कितना देता है आज चेक करने वाला हूँ, ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और शेल का डैमेज तो मुझे पता है, मतलब जो नॉर्मल शेल होता है बड़ा वाला, तो उसका 2000 का डैमेज पड़ता है टैंक पे और अपने हेली पे, ठीक है, और नॉर्मल एकदम जो छोटा वाला शेल होता है उसका 400 या 300 के आसपास का डैमेज आता है। तो यहाँ पे अपना टैंक कहाँ है ढूंढना पड़ेगा। और स्विफ्ट फ्लोट ओपन नहीं है मेरा ऑपरेशन बेस में, और स्विफ्ट फ्लोट ओपन करने के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप चाहो तो उसको चेक ज़रूर कर सकते हो। तो टैंक शायद उस साइड पे है गाइस, और यहाँ पे एक छोटा सा जगह है, ठीक है, कोने में, आपको रेडिएशन वहाँ नहीं लगता गाइस। तो कौन सी जगह है आपको दिखाऊंगा अभी। लेवल 1 का मास्क है मेरे पास, और चिमकाने के लिए। तो अब यहाँ पे गाइस क्या है, एक छोटा सा जगह है, ठीक है, जहाँ पे अपना क्या नाम है उसका, मतलब रेडिएशन नहीं लगता है इधर ही कहीं पर, ठीक है, वो अपना देखो टैंक बोलते हैं और फायर भी कर रहे थे मैं। और टैंक को किल करना इजी है गाइस, लेकिन अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए ना, तो टैंक बजूका से फायर कमर मार देगा आपको। अब गोली से मरो ना मरो, बजूका से पक्का मर जाओगे। तो शायद 300 का डैमेज आया शायद, तो टैंक भी अपने पर फायर कर रहा है। अब सोलो में भी किल कर सकते हो टैंक को, ठीक है, लेकिन टैंक को किल करने से आपको एक खास चीज़ मिलेगी, तो वो है कंपोनेंट फ्रेगमेंट करके कुछ। तो उसका यूज़ करके आप कोई भी कंपोनेंट का जो रेसिपी है उसको डॉग से खरीद सकते हो, ठीक है, तो वो आपको मिलता रहेगा। मुझे 2-3 बारी, मतलब जब भी मैंने किल किया है तो हर बार मिला है मुझको, और अभी जब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तब भी मुझे मिल जाएगा और टैंक भी किल हो जाएगा, टेंशन ना लो। क्योंकि जितनी सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ ना, इसमें टैंक 2 बार किल कर सकते हैं अपन, ठीक है, और साथ ही साथ छोटे वाले जो बेस है यहीं पे, तो उसमें भी मैंने सामान अच्छे खासे बचे रखे हैं। और मुझे लूज गन को पूरा एकदम ख़त्म करना है, इसका मुझे देखना है कि डिसमेंटल करने के बाद लॉन्चर जो है वो मिलता है कि नहीं, इसको डिस करने के बाद, मतलब छोटा सा टेस्ट के लिए, ठीक है। और गन बहुत सारे हैं मेरे बेस पे, मतलब जितने गन हैं, तो उसमें आराम से मैं 2-3 बार और टैंक किल कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद टैंक को किल करने से अपने को गन भी मिल जाएगा, और रूम भी ओपन करने से गन मिलता है, ठीक है। तो गन का करना भी क्या है गाइस, इतने सारे गन का, तो पहले यूज़ करते हैं गन को, मज़ा आएगा। तो यहाँ पे टैंक को मैं किल करना चाहता था, लेकिन चिमकाने के लिए हो गया मेरे साथ गाइस। टैंक तो मेरे ऊपर एम लेके बैठा है, चलो देखो 400 का डैमेज पड़ा, ठीक है गाइस, देखो फायर करना बंद करेगा तो। ये चिमकांडी टैंक मुझे लग रहा है 28 का डैमेज साइड में लगा है, बहुत पास में लगा गाइस, एकदम बेकार सीन हो गया। एक शेल बेस्ड 127 लिटरली, इतना बेकार बेस्ट ना हो जाए गाइस, बेस्ट हो गया गाइस, एक शेल बेस्ड, शेल के साथ एक प्रॉब्लम गाइस, क्या करें। लेकिन चलो कोई नहीं गाइस, ऐसे फ्री में मिला तो था यार, तो फटाफट गन से फोड़ देते हैं। तो ये अपना लुइस गन, और ये 86 का डैमेज देता है, और AKM का मैंने रिकॉर्ड किया था 105 ऐसा, तो एकदम हाईएस्ट था, ठीक है, 105 का डैमेज दे देता है बिना किसी अटैचमेंट के, ठीक है, मतलब बस रेड डॉट के, और रेड डॉट के अलावा मैंने कोई अटैचमेंट और किसी गन में यूज़ नहीं किया है। तो आप आराम से इसको रेड डॉट लगा के भी किल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सोच रहा था SMG से किल होता है कि नहीं, तो उसमें SMG से बहुत ज़्यादा एमो लगेगा, जो बैग में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जो है, मैं आपको एक और बता दूँ कि ऑपरेशन बेस में ना बैग को आप बढ़ा सकते हो, बैग में जो स्पेस होता है उसको आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, ठीक है, और भी ज़्यादा
ठीक है, जितना आपके बैग में जगह है आप लेवल अपग्रेड करोगे बैकपैक का, तो आपका जो बैकपैक में स्टोरेज है वो फुल होता रहेगा। मेरा अभी 49 है, मतलब एक कम है बस 50 से, और बाहर के जो स्लॉट है उसके अलावा, मतलब जो आपको बाहर में जो शो हो रहे हैं ना शॉर्ट बार, उसके अलावा बैकपैक के अंदर मेरे 49 स्लॉट ओपन है मेरे गाइस। आप यहाँ देख पाओगे, जैसे मैं बैग ओपन करूँगा ना तब आप देख लेना। और टैंक को यहाँ से अगर डैमेज होगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और M2 जो है गाइस, मतलब M24 जो गन है उससे 127 का डैमेज लगता है सबसे हाईएस्ट, ठीक है। लेकिन उसमें वन शॉट मार सकते हो आप, लेकिन एक रिलोड पे आपको 5 MO ही उसमें फिट आता है, तो ऐसे में मान लो 500-550 के आसपास आप डैमेज दे पाओगे, ठीक है। मतलब 500-550 नहीं, 600-700 के आसपास एक फुल लॉ, मतलब अपना जो गन है उसको फुल रिलोड करने के बाद। बाकी लुविस गन में 50 गोली आती है और हर एक गोली 86 का डैमेज दे रही है, तो 86 काफ़ी बढ़िया है गाइस। और AKM 30 गोली आता है और एक और मैगजीन लगाने के बाद 35 गोली और बढ़ जाता है, 2000 का डैमेज लिटरली। तो AKM 105 का डैमेज देता है तो अच्छी बात है। लिटरली कहाँ गया ये वाला शेल, ये वाला शेल वेस्ट हो गया क्या? शेल से 2000 का डैमेज आता है लिटरली, और मेरा एक शेल वेस्ट भी हो गया गाइस, क्या करें, शेल ख़त्म। लो कर लो बात, लुईस में दो गन, मतलब 2 MO, तो यार ये 2 MO नहीं मारने दे रहा है। अब इतना टाइम हो गया, ठीक है, मतलब लगभग 6 मिनट का टाइम हो गया, अब देखो उसका हेल्थ थोड़ा सा ही गया है, तो चिमकांडी गिरी करेगा। अभी तक मैं किल हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं किल हो जाता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं किल नहीं होता, और किल होने के पीछे जो है मेरा स्कोप होता है, ठीक है। और एक बार ग्लिच से किल हो जाता हूँ शायद मैं, टैंक गोली मार के आपको किल नहीं कर पाएगा, इतना टेंशन मत लो, बस उसके बजूका से सेफ रहना। गोली से 5-10-15 ऐसा ही डैमेज आता है, तो उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन हेली का जो है गोली बड़ा ख़तरनाक लगता है लिटरली गाइस। मैं आज तक हेली कभी नहीं किल कर पाया, ऑपरेशन बेस में तो नहीं, और मतलब ऑपरेशन बाद बेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑपरेशन बेस में सोलो में किल करना हेली को थोड़ा मतलब इम्पॉसिबल टाइप लगता है मुझको, पता नहीं क्यों। अब आपको अगर पता होगा कि हेली को सोलो में कैसे किल कर सकते हैं, गन्स की टेंशन है ही नहीं गाइस, ठीक है। गन्स बहुत सारे हैं मेरे पास, तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो कि कैसे हेली को किल कर सकता हूँ मैं सोलो में, ठीक है। स्क्वाड डुओ कुछ नहीं, सोलो में अगर किल कर सकता हूँ कैसे, तो उसके ऊपर कोई वीडियो मुझे मिला नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और सोलो में आप टैंक को किल कर सकते हो, तो उसके ऊपर आज का वीडियो हो रहा है, ठीक है। तो चिल करो यार, साइड हो जाता हूँ यार, चिमकांडी मार लेता हूँ उसको, जितना डैमेज दे पाऊँगा गाइस उतना ही फ़ायदा है, ठीक है। जितनी जल्दी डैमेज लेके किल कर लूँगा उतना फ़ायदा है। और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा फालतू ही कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब लेट हो जा रहा है मुझको। मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो मेरा ध्यान जा रहा था बार बार रिकॉर्डिंग पे कि चालू भी है कि नहीं, मैंने पता चला रिकॉर्डिंग बंद हो गया इसके मतलब स्टोरेज के चक्कर में, और मैं यहाँ पे किल किए जा रहा हूँ, मतलब डैमेज दिए जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रिव्यू ध्यान दे रहा हूँ ऊपर तरफ, तो इसलिए थोड़ा सा शायद टाइम लग रहा है मुझको लोडिंग वगैरह। और मैं कुछ टेस्ट करने के लिए भी आया हूँ, देखो शॉर्ट गन है मेरे पास, ठीक है, मेरे साइड में शॉर्ट गन है, तो मैं उसको चेक करूँगा कि शॉर्ट गन से कितना कितना डैमेज आता है टैंक पे, ठीक है। मतलब ऐसा चेक करूँगा ना मैं कि किसी ने सोची ना होगी गाइस लिटरली। तो एक खा लेता हूँ यार सिरिंज नसों में उतारते हुए, चलो फुल हो गया HP। चिमकांडी गिरी करेगा, किधर है वो रहा टैंक गाइस, इतनी दूर से तो दिख भी नहीं रहा, 76 का डैमेज आ रहा है लिटरली। लुईस गन से लॉन्चर मिलेगा क्या मुझको डिसमेंटल करने के बाद, तो पता नहीं यार, और किसी को पता होगा तो बताओ यार कमेंट में कि डिसमेंटल करने के बाद मिलता है कि नहीं। और हाँ, मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ गाइस अपना जो एवेंजर किल वाला, उसी में मैंने सर्वर का वीडियो अपलोड कर दिया कि सर्वर मैं क्यों नहीं खेल रहा था। ये लो पहली बार उद्घाटन हो चुका है गाइस, टेंशन ना लो। चलो यार तो बेस है यार अपना, तो मैंने क्या बोल रहा था, हाँ मैं सर्वर की बात कर रहा था गाइस, सॉरी। तो सर्वर जो है गाइस वो मैंने स्टार्ट किया था बस एक या दो दिन, मतलब एक दिन 4-5 घंटा खेलने के बाद ऑफ हो गया। उसके बाद अगले दिन मैं जब ऑनलाइन आया तब देखा जहाँ पे मैं जा रहा था, ठीक है, फार्म करने या
रूम करने में एक ही बार ग्रीन रूम ओपन कर पाया, उसमें ब्लू रूम कार्ड नहीं मिला, और साथ ही साथ बंदे के पास AR था, मैं लूट के बाहर ही आया, उसने मुझे मार के वो लूट करके चला गया। मतलब ऐसा है कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल बेकार सीन है, ठीक है। मतलब आप रूम करने जाना ग्रीन रूम, तब भी आपको AR गन वाला बंदा मिलेगा। तो इससे तो मैं समझ गया कि उस सर्वर में खेलना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो गया। और एक जो अपना क्या नाम है उसका स्पिरिट मॉन्स्टर, ठीक है, कंपोनेंट वाला मॉन्स्टर बोलता हूँ मैं उसको, तो उसको किल करने के चक्कर में इतने सारे बंदे हैं, 5 पीस थे, ठीक है, उसके साइड में। मैंने वीडियो बनाया था, मैंने देखा तो अरे भाई साहब भाई साहब क्या हालत होगी मेरी, देखो गाइस लिटरली एक गोली और लग जाए ना काम हो जाए मेरा। उसको फटाफट सीरीज उठा लेता हूँ। मतलब मैं सर्वर की बात कर रहा था, मतलब लोग इतने ज़्यादा सर्वर खेल रहे हैं ना वो वाला, तब क्या बोलूँ मैं, कुछ भी लूट नहीं मिल रहा है गाइस। और नेटवर्क भी कभी भी आता जाता रहता है तो डिस्टर्ब हो जाता है मुझको। मुंडी सबसे ऊपर टॉप पे रखा है, फटाफट अपना एक सीरीज लगा लेते हैं, उसको फेंकता हूँ, सीरीज लगाते हैं गाइस। सबसे पहले सीरीज जब तक लग रहा है गाइस क्या बोलूँ, एक और लगाना पड़ेगा, इतना बेकार मारती है चिमकाली ने, क्या ही बोलूँ। फटाफट फटाफट एक और शॉट बार में लेके आता हूँ, चलो हो गया होल, अब बढ़िया है, अब बढ़िया है गाइस। अच्छा मेडिकेट है लेकिन मेडिकेट की रेसिपी नहीं है मेरे बेस में, मतलब मेरे ऑपरेशन बेस में, ठीक है। नॉर्मल मेडिकेट कुछ कुछ तो है, बाकी सिरिंज की रेसिपी है तो उसका टेंशन नहीं है, काफ़ी बढ़िया है। सिरिंज मेडिकेट से अच्छा तो नहीं है लेकिन काम चलाने के लिए सही है। चिमकंडी इधर से आके मारेगा, वैसे मैं घूम घूम के नहीं मार रहा हूँ कि रेडिएशन एक छोटे से कोने में ना रेडिएशन नहीं लगता, इधर यहाँ पे जो साइड है ना यहाँ पे रेडिएशन आपको नहीं मिलेगा। ऊपर ऊपर दिख रहा होगा ना रेडिएशन लेवल वाला का मास ज़रूरी है उस साइड पे, और थोड़ा सा बाहर जाओगे ना तो इस साइड पे आपको रेडिएशन नहीं मिलेगा मेरा सामने। मैं उधर जा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे अगर बंदूक आ गया ना तो मैं मर जाऊँगा। तो मुझे लगता है कि ये सबसे परफेक्ट जगह है, ठीक है। मैंने बहुत जगह चेक किया था लेकिन किसी में काम बना नहीं, अब ये जगह सबसे बढ़िया लगता है। और यहाँ पे दोनों तरफ से अपन बजुका के शेल से बच सकते हैं, ठीक है, मतलब टैंक बजुका के किल करेंगे, किल करेंगे टैंक को किल करेंगे। और मतलब मेरा तो भी मान लो ऐसा कुछ मेरे रोज़ का काम बन चुका है टैंक को किल करना गाइस, लेकिन वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी दिन मैं बस टैंक को किल करने के बाद लूट दिखाने के लिए रिकॉर्ड करता हूँ। और 2 दिन का रिकॉर्डिंग डिलीट भी हो गया गाइस बिना दिखाए, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। यहाँ पे इजी पीजी किल कर लेते हैं गाइस। वॉर मशीन मैंने आज तक कभी किल किया नहीं है ऑपरेशन बेस में, पता नहीं वॉर मशीन को किल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैंने अभी तक वॉर मशीन कहीं पे किल तो किल मैंने उसके अंदर कभी जाके देखा भी नहीं है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कभी जाके देखूँ, तो आप लोगों को क्या लगता है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं वॉर मशीन को किल करने के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है वॉर मशीन को किल करने के लिए अच्छे खासे जो है एमओ वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी गाइस, ठीक है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एमओ और बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, और ब्लू रूम कार्ड चाहिए होगा मुझे, मतलब मैंने एक वीडियो में देखा था तो ब्लू रूम कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो जो बंदा खेल रहा था वो सोशल सर्वर में खेल रहा था, ठीक है। तो अब ना वो रैंक में खेल रहा था ना वो अपना क्या बोलते हैं ऑपरेशन बेस में, तो मैं सोच रहा था कि मैं ऑपरेशन बेस में खेल के उसका एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए, कि अपनी वॉर मशीन घूमता कहाँ है और उसमें कितने एमओ से किल हो जाता है। उसे वॉर मशीन कहाँ होता है मुझे पता है, ठीक है, लेकिन कितने एमओ से किल होता है वो मुझे नहीं पता लिटरली। तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। वहाँ से अरे भाई 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 एक सेकंड के लिए बच गया लिटरली भाई, चिमकांडी करेगा मेरे साथ। अरे फ्री फायर कर रहे हैं, अरे मतलब लिटरली गाइस धीरे धीरे जैसे जैसा अपना कैबिनेट अब लेवल अप कर रहा ना, तो मुझे लग रहा है टैंक बहुत दूर से भी फायर कर रहा है मेरे ऊपर। पहले उतनी दूर तक फायर नहीं करता था गाइस लिटरली, अभी फायर किया जा रहा है। रेडर टूट गया गाइस, लेकिन फिर भी फायर मस्त हो रहा है। रेडर लगा लेता हूँ फटाफट जाके,
टूट गया, दूसरा वाला लगा लेते हैं, इसलिए तो बना के लाए थे इसको मस्त। तो यहाँ पे रेड डॉट गाइस 9 या शायद 6 स्टील में बन जाता है, 6 स्टील में बन जाता है शायद। तो इसको रिपेयर करने के लिए 3 स्टील और कुछ स्पेयर लगते हैं 10 या 15, उसके बाद वो रिपेयर भी हो जाता है, तो अच्छी बात है गाइस। मुझे पता नहीं था पहले कि रेड डॉट रिपेयर भी हो सकता है, लेकिन लेवल 1 का मास्क रिपेयर नहीं हो सकता और लेवल 2 का मास्क का पता नहीं है मुझे, क्योंकि मिला नहीं है मुझे ऑपरेशन बेस्ड में। तो ठीक है, तो यहाँ पे गाइस अपना टैंक है मुझसे फायर करते हुए, गंडे ही कर रहा है। यहाँ पे जैसे फायर बंद करेगा मैं फिर शायद फायर शुरू कर दूँगा चुनगंडे के ऊपर। इतना ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा ना इसको किल करने में कि क्या बोलूँ, इतना टाइम नहीं लग जाएगा गाइस। ठीक है, ये 20 मिनट के अंदर किल हो जाता है, लेकिन पता नहीं मुझे तक क्यों टाइम लग रहा है आज। मतलब जब मैं रिकॉर्डिंग करके ख़त्म किया ना, मतलब जब मैं रिकॉर्डिंग में लास्ट में देखा जब उसका पूरा किल, तो उसके बाद में पता चला कि इतना ज़्यादा टाइम कैसे लग गया उसको किल करने में। आप फर्स्ट फायरिंग और लास्ट फायरिंग जब टैंक खुलता है तब के वीडियो को देखोगे तब शायद 20 मिनट का आएगा, लेकिन मैं थोड़ा पहले से दिखा रहा ना उसको लूट की क्या क्या मैं लेके आया हूँ और उसके बाद क्या क्या मुझे मिला है वो भी दिखाऊंगा शायद। इसलिए जो अपना वीडियो है वो 33 मिनट का होने वाला है। ठीक है, 33 मिनट यहाँ पे मुझे शो रहा है इसलिए मैं देख के बोल रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा दिल भी मत लेना। और यहाँ पे अपना टैंक गोलियों से आपको किल नहीं कर सकता गाइस, मुझे तो पता चल चुका है। उसके बाद बजूका से हमने अपने को बचना पड़ेगा। ठीक है, उसके बजूका से अगर बच जाएंगे तो अपन को कुछ नहीं होगा। और इसी गेम में गाइस 3-4 बार तो मर जाता हूँ मैं बंदूक से ही, क्या बोले अब। एक बार गलती मेरी बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पे फिर करता हूँ गाड़ी करेगा, एकदम कोने में दुबक दुबक के। इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा नहीं बिल्कुल एकदम रेडिएशन, मतलब रेडिएशन देखने को नहीं मिलेगा ऐसा मैं बोलना चाह रहा था। यहाँ पे एकदम मज़ेदार गाइस, इस कोने में ना आप जितना चाहे गोली मार सकते हो अपने इस चिमटांडी को। ठीक है, आपको गोली नहीं मारेगा और ना ही कोई फायर कर, मतलब बजू का फायर करता है, क्योंकि फायर करते ना तो वो फ्लेम पे लगता है। देखा, तो यहाँ पे आप इजी पीजी जितना चाहो उतना गोली मार लेना, लेकिन जैसे बाहर आए उसको थोड़ा सा फायर ना करे तो आप फायर कर लेना, और फायर करता रहे तो आप सामने मत जाना गाइस। ऐसे कई बार मैं नॉक हो चुका हूँ। उसका टैंक का हेल्थ देखा बहुत कम हो गया, जस्ट खत्म होने वाला है गाइस। और अभी टैंक का मेन काम शुरू हो जाएगा, बार बार लगातार मुझे फायर करेगा। देखते हैं गाइस कितना टैंक खींचता है। अभी तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है टैंक का हालत भी, ऑलमोस्ट मतलब 10% बचा होगा मान लो, 10% कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, मतलब कुछ ज़्यादा ही कम बोल दिया। ठीक है, मतलब 20% मान लो, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा डैमेज जा रहा है एक दो का और गोलियाँ मिस हो रही है, साथ में गोलियाँ वेस्ट हो जाएगी। और अभी तक गाइज मैं अपना लूविस गन का यूज़ कर रहा हूँ और उसमें एमओ अच्छे खासे होने चाहिए मेरे बैग के अंदर, क्योंकि लूविस गन के लिए मैंने एमओ नहीं है गाइज, लिटरली नहीं है। इससे निकाल लेता हूँ, इससे भी निकाल लेता हूँ क्योंकि ये फूट चुका है, तो इसको डिसमेंटल लेयर पे डाल के स्टील निकालूंगा, क्योंकि इसकी रेसिपी है नहीं गाइस। ठीक है, मेरे पास इस गन की ना रेसिपी नहीं है मेरे पास, मतलब मेरे पास पूरे सर्वर में, मतलब जो अपने ऑपरेशन है इसमें बस एक ही गन की रेसिपी है और SMG की, मतलब SMG मतलब SMG वो वाला नहीं, मतलब UGI की बात कर रहा हूँ। ठीक है, UGI और एक गन है सेमी ऑटो राइफल, तो उसकी रेसिपी है जो मैंने ट्रेड टिकट से बाय किया था। बाकी गन्स की रेसिपी मैं बाय नहीं किया क्योंकि मुझे गन मिल जाता है नॉर्मली। है देख कितने सारे गन लाया मैंने बस एक टैंक को किल करने के लिए, इससे लगेगा भी नहीं। ठीक है, उसके बाद टैंक से भी मुझे गन मिल जाएगा भी किल करने के लिए अगली बार के लिए, तो उससे मैं टैंक को किल कर लूँगा। और एवेंजर को किल करने से भी गन्स मिलती है, और एवेंजर को किल करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ज़्यादा गोलियाँ भी नहीं लगती, एक गन में आराम से वो किल हो जाएगा। ठीक है, स्नाइपर लेके जाओगे तो एक स्नाइपर में आराम से किल हो जाएगा वो, इजी पीजी गाइस एकदम। तो
उसके लिए कोई रेसिपी निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको मिलता रहेगा फ्री में उसको आप ले सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता खरीदने की ज़रूरत थी, मैं पहले जब खरीद लिया था ना तब बेकार हो रहा नहीं था फ्री में, लेकिन फिर भी सही है क्योंकि SMG लॉक है हमेशा तो उससे गिरेगा नहीं, बस रिपेयर करो और उसमें एमो होनी चाहिए। तो मेन मेन जो खतरनाक सिचुएशन होता है ना तब मैं बच पाऊँगा। तो यहाँ पे इसमें 20 मिनट हो चुका है गाइस, और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना तो अगर आप पसंद आ रही है तो, और चैनल पे सब्सक्राइब, मतलब चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब भी कर लेना, और नहीं आए पहली बार इससे पहले भी आए थे और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार कर लेना, मैं बोल बैठे से इसलिए बोल देता हूँ। तो ये प्लेन के साइड में ना जैसे वो थोड़ा सा जब पीछे जाएगा तो उसके बाद टिमकंडी को भर देना पूरा गोली, ठीक है। लुविस गन की एक खासियत मुझे अभी अच्छी लग रही है कि ये 50 एमो आते हैं, ठीक है, इसके अंदर तो मतलब आग बंद करके फायर करते रहो जब भी टैंक थोड़ा सा कवर में जाए, ठीक है। और बाकी दूसरे गन्स में अच्छी बात ये होती है कि वो डैमेज अच्छे खासे देते हैं, ठीक है। AKM से ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं, 88 का डैमेज देता है शायद नॉर्मली AKM की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और AKM की हेल्थ थी, मतलब AKM है मेरे पास जो उसकी हेल्थ नहीं है, मैं बेस में छोड़ के आया उसको। अरे यार रीलोड आ गया, चिमकांडी गिरी। अभी तक तो मैं किल हुआ नहीं गाइस, दूसरी बार पता नहीं मैं कब किल होता हूँ, मतलब 2-3 बार तो किल हो जाता हूँ ना आराम से इस गेम में मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक किल नहीं हुआ। और एमो ख़त्म हो गया तो गन का कोई काम है नहीं, फटाफट हटा देते हैं उसको, और शॉर्ट बार में एक दो मेडिकेट मतलब सिरिंज रख लेते हैं फटाफट। और हाँ गाइस अभी मरने वाला हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि देखो ये जो कपड़ा QBZ है इसकी हेल्थ बहुत कम है और मेरे पास शायद एमो भी नहीं है, इसलिए मैं जा रहा था वापस। मुझे पता नहीं था, मतलब याद नहीं आ रहा कि मैं क्यों जा रहा हूँ वापस, तो शायद एमो नहीं था इसलिए। सस्ते बेस के अंदर चले जाते हैं फटाफट, और मुझे बेस को ना थोड़ा उस साइड पे रखना चाहिए जिस टाइप पे, जिस साइड पे मैं जाके किल कर रहा था मतलब अपने टैंक को, ठीक है, उस टाइप पे उसी साइड पे वाला बेस होना चाहिए था। मैं बना दूंगा उस टाइप पे यार, उसी साइड पे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। यहाँ पे रूम कार्ड वगैरह रखता हूँ, और क्या रख दूँ, एमो उठा लेता हूँ फटाफट पहले तो। सिरिंज इतने हैं काफ़ी हो जाएंगे। देखो सेमी ऑटो यहाँ पे भी एक रखा है, मतलब ऑटो की बात नहीं कर रहा मैं, ऑटो राइफल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो गन है एक, अब उसका डैमेज बहुत बेकार है जो 20 के आसपास 20-30 ऐसा डैमेज देता है, तो उससे अगर फायर करूँगा ना तो मैं नॉर्मली हर बार की हो जाऊँगा और बहुत ज़्यादा टाइम देगा। यहाँ पे फटाफट चलते हैं भाई, ज़्यादा ही पास आ गया लग रहा है। अरे छोड़ दे भाई छोड़ दे, शॉर्टकट है मेरे पास, चिमकंडी की दिखाई देगा ना तो मार दूंगा। चलिए उतर जाते हैं, और ज़ॉम्बी एक दौड़ते हुआ आ रहा है क्या, आ रहा है, मर साल। अभी मुझे ऐसा लगा कि टैंक, हाँ गाइस टैंक है एक। आई एम सॉरी भाई, अरे रे चीन हो गई, अरे भाई साहब भाई साहब लिटरली मुझे ऐसा लगा इस पर मैं चिन्ह होने वाला हूँ। अभी तो थोड़ा हेल्थ और बचा है मेरे गन का, क्या मिलेगा थोड़ा सा बचा है गाइस टैंक का हेल्थ, अभी तो फायर तो हुआ नहीं उसके अंदर। अरे क्या सीन है ये, जैसे ही गोली का मार रहा हूँ वैसे ही अपने ऊपर भी फायर कर रहा है, अभी नहीं मारेगा शायद। देखता हूँ क्या कितना 82 का डैमेज जा रहा है, मतलब गोली वेस्ट हो रहा है मान लो। 78 का लिटरली, ये क्या सीन है। थोड़ा सा हेल्थ बचा है इस गन का, उसके बाद इसको भी डिसमेंटल में डाल दूंगा गाइस, ठीक है। लिटरली अभी यहाँ से जाने के बाद मैं इनको डिसमेंटल कर दूंगा, मतलब तो जैसे ही मैं डॉग पे जाऊंगा ना ग्रीन रूम और ब्लू रूम ओपन करने में तभी मैं उसको डिस करके आ जाऊंगा। सस्ते गन को डिस कर दो और दूसरा गन ले लो, मतलब नया नया गन ले लूँगा गाइस, इजी पीजी इजी पीजी।
जो लोग गन स्टोर करते हैं ना, एकदम अच्छे अच्छे गन चलाना छोड़ के बेकार बेकार गन चला के जो है मेहनत करते हैं ना गाइस, उनको काम नहीं है गाइस, लिटरली कोई काम नहीं है उनको, फालतू में गेम खेल रहे हैं। अच्छी चीज़ें हैं तो यार यूज़ करो उनका मस्त, जितना अच्छा चीज़ यूज़ करोगे उतना अच्छा है। बहुत बढ़िया। देखो अगर मेरे पास SMG भी बहुत सारा है ठीक है, तो मैं उनको पड़े हैं तो पड़े ही रहने देते हैं, जब तक आखिरी गन ख़त्म ना होगा ना ईयर का तब तक मैं उनको पकड़ूंगा नहीं गाइस ठीक है। ओह शिट, ये क्या सीन है, मैं तो कवर में था बिल्कुल, जिंदा कवर में पहुंचा दिया कैनिक ने मुझको, बताओ। तो यार मैं बात कर रहा था अच्छे गन की ठीक है, तो अच्छे गन का रिजल्ट मुझे दिख गया, मतलब दिख गया ठीक है। अरे नहीं निकल पा रहा, मुझे फिर जाना पड़ेगा अपने बेस, मतलब बेस से उधर टैंक को। देखो थोड़ा सा HP है ठीक है टैंक का, लेकिन फिर भी चिमकांडीगिरी कैल कर ही देगा मुझको। क्या बोलिए अब, मेरे बेग पेक में कितना है, अरे 42 क्यों है मेरे, शायद गाइज ये 42 और सामने का जो शॉर्ट बार है उसको मिला के गाइज 49 दिखाता है मेरा, लेकिन जैसे मैं मतलब किसी भी स्टोरेज बॉक्स में क्लिक करूँगा ना तब आपको दिखेगा 49 ठीक है, और जैसे नॉर्मल गैप ओपन करूँगा तो 42 दिखता है। मैं समझ गया ये ग्लिच नहीं है, मैंने गलत देखा है ठीक है, सॉरी गाइज मैंने गलत बोल दिया आपको, लेकिन मैंने अभी उसको देख लिया ध्यान से कि जो मैं बोल रहा था वो पूरा सही नहीं है ठीक है, थोड़ा सा गलत है उसमें। तो बैकपैक ओपन मतलब जो बैकपैक है उसको आप स्लॉट को बढ़ा सकते हो ठीक है, वो अपना कैबिनेट के पास जो अपग्रेड वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे वो अपग्रेड हो जाता है ठीक है। तो ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे मेरे बैकपैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं लार्ज स्टोरेज और नॉर्मल बैकपैक जब ओपन करता हूँ तब में डिस्टर्ब मतलब डिफरेंस आता है ठीक है। अरे यार ये क्या है यार, एक डेढ़ सेकंड के अंदर अगर आप सीरीज पे क्लिक करके छोड़ दोगे ना तब डिस्टर्ब हो जाता है, बताओ पूरा फुल हो गया था यूज़ फिर कैंसिल हो गया। ये चीज़ गलत है यार, तो देखते हैं अभी क्या होता है यार, क्या नहीं होता। ले हट यार, ये सीन ही बेकार है, एकदम बेकार गेम है, हट। फायर करता है बात अलग है यार, चिमकांडी की हो गया गाइस मेरे साथ, फिर मर गया मैं, फिर जाना पड़ेगा मुझे उस साइड पे। यहाँ पे एक सीरीज उठा लेता हूँ, काम आएगा। अरे जाने दे भाई, अरे फटाफट चलते हैं गाइस, इस बार तो टैंक को किल करना ही है। चिमकांडी की हो गया गाइस, 2-3 बार मर चुका हूँ मैं, इतना मरने से लगातार मरने से मज़ा नहीं आता गाइस, थोड़ी देर बाद मरता हूँ तो अच्छा रहता है, लेकिन इतना जल्दी जल्दी मरता हूँ ना तो एकदम बेकार होता है नहीं। तो यहाँ पे टैंक को किल करने के चक्कर में मतलब टैंक को एक बार किल करूँगा, और टैंक ने मुझे कितनी बार किल किया तो इसके अनुसार गलत कर रहा है ना टैंक। तो फटाफट चलते हैं अब इसकी बार मतलब अब की बार ठीक है, टैंक को किल करेंगे अपन। साइड पर डॉग मतलब वो जो गुल्फ होता है वो भी चिमकंडी गिरी है, बार बार काट देता है, हाँ वो छूट गया शायद पीछे, टैंक को किल करके छोड़ना है गाइस। टैंक की शामत आ चुकी है दोस्तों, वे भाई साहब सॉरी 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 टैंक, सॉरी आई एम सॉरी। भाई साहब सारे एमओ उठा लेता हूँ फटाफट, सुई लगाने की टेंशन है नहीं। बेस्ट पहले था फटाफट, और गन को हटा लेता हूँ, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हटाता हूँ यहाँ पे, जब तक टैंक भी सामने आ जाएगा ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे रखता हूँ, और बाकी गन वगैरह सब बराबर है, हाँ बराबर है गाइस, एक ही गन है अभी, QBZ उसका यूज़ करना है। कहाँ है, आजा चिमकांडी तू मरेगा अभी। अभी जब मैं गेम खेल रहा था ना मेरे हाथ अटक जा रहे थे गाइस ठीक है, मतलब
जैसे मैं फायर कर रहा था ऊपर चले जा रहे थे, फिर नीचे नहीं यार ला पा रहा था मैं, पता नहीं है क्या सीन है क्या नहीं है। अरे उसे दो तीन गोली क्या फायर कर दी उसने, पूरा मैगजीन मेरे ऊपर खाली करने का फैसला कर लिया क्या। अरे ऐसा फायर, आग लग गई गाइस, आग लग गई उसकी, मतलब अपने टैंक में ना आग लग गया गाइस। फाइनली फाइनली अपना काम लगभग ख़त्म होने वाला है। आग लगा दूँगा, आग लगा दी, वो एक डायलॉग है ना, आग लगा दी आग लगा दी, तो वही वाला सीन है एकदम मस्त। सिम कांड गई, अरे मुझसे फायर कर ले, नहीं 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 ये तो गलत सीन है, ये तो गलत सीन है, मुझे जाने नहीं दूंगा आपकी बार, आपकी बार जाने नहीं देंगे तुमको। कांडी, अरे भाई साहब भाई साहब, लगभग ख़त्म होने वाला है गाइस, अब तो टैंक की कहानी ख़त्म, टैंक की कहानी ख़त्म ख़त्म गाइस ख़त्म। थोड़ा सा और बचा है, अब की बार तो मरा टैंक, टैंक इस बार बिना किल हुए मरेगा तू, थोड़ा सा बचा है शायद, थोड़ा सा गाइस, ये क्या दो गोली मारने से टैंक का काम खुल जाएगा। कहाँ ये गया गाइस, गया गया गया, मज़ा आ गया गाइस, लिटरली मज़ा आ गया। चिमकांडी गया 30 मिनट, 30 मिनट तक इसने परेशान कर दिया था मुझको, और कितनी बार किल भी गया है। हो गया गाइस किल, हो गया। यहाँ पे ज़ॉम्बी भी है, आजा बेटा आजा, नहीं मतलब बेटा बोल रहा हूँ, मतलब समझ जाओ ठीक है। चिमकांडी के लिए किल करूँगा इसके, उसके लिए और ज़्यादा पास जाऊँगा नहीं मैं, क्योंकि मुझे पता है किल हो जाते हैं इसके पास आने से। और गोलियों का निशान दिखा दूंगा मैं गाइस, टैंक के ऊपर ना गोलियों का निशान रहता है ठीक है, और इसमें फायर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चेक कर रहा था मैं ठीक है, पागल नहीं हूँ मैं, चेक कर रहा था कि डैमेज आता भी है कि नहीं। और शॉटगन का डैमेज आपने देख लिया होगा, मैंने बीच में शॉटगन का यूज़ किया था एक बार दो बार शायद, शायद नहीं हाँ मैंने किया था, मुझे फुल याद है गाइस ठीक है। तो अब देखते हैं कि, अरे भाई साहब मुझे अजीब तेवा क्यों लगा इतना, अरे बुझ गया आग, आग बुझ गया गाइस, लूट कहाँ है, यही तो है। अब देखो गाइस SMG मतलब अपना UGI मिला, एक ऑटो कैनन मिला, स्टील 10 लिटरली, और ये है गाइस अपना कंपोनेंट फ्रेगमेंट जो है चिमकांडी, उसी चीज़ की मैं बात कर रहा था ठीक है, वो मिल चुका है। और यहाँ पे और क्या क्या मिला है, चलो बाद में बात करते हैं क्या ये मिला है क्या नहीं मिला है। तो वीडियो को बात मतलब वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, मतलब अटक गया था बीच में ठीक है, तो उसको दिल पे मत लेना। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना कोई भी मत जाना एकदम, और हो सके तो वीडियो दोबारा देख लो, फर्स्ट टाइम बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी मैं 4 घंटे के करीब पहुँच जाऊँगा गाइस, उसके बाद मज़ा आएगा ठीक है। और चलते हैं, जितनी जल्दी जल्दी अपन वीडियो एंड करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।